अलीगढ़ आरक्षण के समर्थन में आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सभी कॉलेज के अध्यापक को बुलाया गया था, जहां पे उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और शिक्षा दिवस के अवसर पे सभी यहां पे हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब जनाब तैयब बागी, जनाब तैयब बागी साहब मौजूद थे। मैं इरशाद अहमद, वीडियो न्यूज, यूपी से। सर बताएं किस तरह का कार्यक्रम था और यहाँ नगर पालिका सभागार में पालिका ये पालकी सुधर ग्रुप के द्वारा ये शिक्षक सम्मान दिवस था, आज शिक्षक दिवस था, आज शिक्षकों को याद किया गया, उनकी सेवाओं को, और बहुत से वक्त आए और हमारे खासतौर से ए के मिश्र जी, डी ए वी कॉलेज के प्रिंसिपल देव भास्कर तिवारी, और हमारे जिला विद्यालय के लेखाकार। सर कितने शिक्षकों का सम्मानित किया गया? करीब 20 शिक्षकों का सम्मान किया गया, उनको शाल और मोमेंटो से ले करके सम्मानित किया गया। किस प्रकार का कार्यक्रम रहा है, क्या उद्देश्य था? आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को, और हमारे दूसरे राष्ट्रपति के नाम पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर ये शिक्षक दिवस मनाया गया। हम लोग नगर पालिका के चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी साहब के निमंत्रण पर यहाँ आए हुए थे। इनका पालकी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो भी कह लीजिए, उन्होंने 9 के 20 सेवानिवृत्त और कार्यरत अध्यापकों को बुला के सम्मानित किया। यह ऐसा दिन होता है जिस दिन जो है शिक्षक होने पर हमें गर्व होता है। विभिन्न वक्ताओं ने बहुत सी बातें रखी, मैंने भी अपनी बातें रखी। समाज में जो शिक्षक का स्थान होना चाहिए, वो कुछ सामाजिक विघटन और राजनीतिक दबाव के कारण वो मर्यादा कम होती जा रही है। इसी पर कुछ मेरा भी रोष था, और हम लोग ये चाहते हैं कि समाज का जो सजग प्रहरी है, जो समाज में हम नए युवाओं को समाज के लिए और शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए, न कि उसके प्रति दया दिखाना चाहिए। शिक्षक दया का पात्र नहीं है, बल्कि वो सम्मान का पात्र है। इन्हीं सब बातों को उन्होंने रखा, और पालकी साहब को धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने हमारी मर्यादा का ख्याल करते हुए हमें सम्मान देने के लिए बुलाया। उसके बच्चे को ले जाता था, उसके बस्ते को ले जाता था, मास्टर साहब कहीं मिल जाए तो पूछता था कि हमारे लड़का कैसा है। आजकल गार्जियन को इसकी फुर्सत नहीं, माँ बाप का बहुत पढ़ा होना माने नहीं रखता। मैंने ये रखा है कि वो बच्चे को जो ग्रो कर रहा है, जैसे गमले के पौधे की निगरानी आप करते हैं, उसी तरह से उस बच्चे को ग्रो करते हुए क्यों नहीं निगरानी है? माली तो पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन जो जंगल में पौधा अपने मनमाना बढ़ रहा है, टहनी कहीं आ जा रही है, पत्ता कहीं है, आप देखेंगे जंगले पर चढ़ जाए, लेकिन गमले का पौधा तो नहीं चढ़ता। माली उसको कैंची से भी काटता है, तोड़ता भी है, उसमें खुद भी लगाता है, वो सब सारे चीजें सिंपल है। बच्चे को अनुशासित बनाने के लिए आपको शक्ति भी करनी पड़ेगी, उसको उलट पुलट करना पड़ेगा, उसकी पूरी निगरानी करनी पड़ेगी, उसको अगोरना जिसको करना है ये करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं कि हर आदमी एमए पीएचडी होगा वही अपने बच्चे को। बहुत से एमए पीएचडी गार्जियन है, उनका बच्चा नालायक। आपको मैं यही मऊ में नाम नहीं लेना चाहूंगा मीडिया पर, हमारे ही कॉलेज के एक अध्यापक हैं जो उनका ग्रैंडसन जो है वो चेन स्नैचर है, बाइक लिफ्टर है, चेन खींचता है, मोटरसाइकिल चुराता है ना, उसके माँ बाप दोनों पीएचडी हैं, उसको आप क्या कहेंगे? और एक रिक्शा चलाने वाला अखबार में पढ़ रहे हैं उसकी बेटी आईएएस हो रही है, ऑटो चलाने वाले की लड़की जो है सीए हो रही है, एमबीबीएस हो रही है। हम क्या मैसेज दे गार्जियंस को? गार्जियंस को जैसे देखिए, फातिमा में
बच्चों को या संदीप में बच्चों को आप देखेंगे सवेरे सवेरे माँ बाप स्कूल की गाड़ी का इंतजार करते हैं, खड़ा होकर के बच्चा आए उसका टिफिन तैयार करते हैं, उसका बैग से। वही बच्चा जब बड़ा हो जा रहा है तो उसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं और वैसे छुड़ा ले रहा है अपने को, है ना, या वो छोड़ दे रहे हैं कि अरे अब बड़ा हो गया जो मन करेगा चाहेगा करेगा। बच्चे वहां बिगड़ रहे हैं, वहां सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे को आप देखिए तो बनना क्या चाहता है वो। सर आपने एक बात कही थी कि सर हम 5 साल के अंदर कॉलेज को बदल देंगे, तो सर क्या लगता है आपको कि आप उसमें कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं कॉलेज के अंदर? आके देखो 2 साल में कुछ तब्दीलियां लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ। सर जैसे कि कोई बता दीजिए आप कोई नया रूल। बच्चे फिसल के गिरते थे, न सड़क थी न चारों तरफ गड्ढा था कॉलेज में। मैंने सड़क ड्रेनेज बनवा दिया, लान बनवा दिया, लाइब्रेरी जो वर्षों से हमारी सड़ रही थी लाइब्रेरी को मैंने साफ करा के लड़कों को पहली तारीख से किताब देने का काम शुरू करा दिया। 52 साल के इस कॉलेज के इतिहास में कभी 1 अगस्त से कक्षाएं नहीं शुरू होती थी। टीचर हमारे यहाँ कहते थे कि टाई पहन के पढ़ाना शुरू करो, टाई करके पढ़ो, यानी जाड़ा शुरू हो तो पढ़ाना शुरू करो और जाड़ा खत्म हो बंद कर दो। इतनी कक्षाएं चलती थी, आज मैं 1 अगस्त से पढ़ाई करा रहा हूँ। जिस तरह की बहुत अच्छा मौजूदा दौर में।